बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय के साथ संजीव सिंह की खास रिपोर्ट। चक्रोर मार्ग को बनाने में एक अधिवक्ता बन रहे बाधक। खबर बलिया जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के जनूपुर यादव बस्ती की है, जहां पूर्व प्रधान चंद्रदीप यादव ने जिला अधिकारी बलिया को पत्रक सौंपकर अवगत कराया है कि हमारे गांव जनूपुर यादव बस्ती में चेकदार दिलीप कुमार पांडेय का विवाद उनके पट्टीदार से है, मगर अनावश्यक रूप से अपना चक कम बताकर राजनीतिक गलियारे से निर्माण कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, जो जनहित व कार्य हित में उचित नहीं है। अतः इस परिस्थिति में चक्रोर बनाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। बताया कि आराजी संख्या 233/316 रकबा 0.80 हेक्टेयर को यथाशीघ्र पुलिस बल की सहायता से खंड विकास अधिकारी गढ़वार बलिया को खड़ंजा लगाने हेतु आदेशित निर्देशित करने व कराने की गुहार लगाई है। वार्ता के दौरान उक्त प्रधान ने बताया कि समय रहते चक्रोर नहीं बना तो समस्त ग्रामवासियों के साथ एक बड़ी अभियान के लिए विवश हो सकते हैं। इस संदर्भ में आसपास के ग्रामीणों ने भी अपना अपना विचार व्यक्त किया। चंद्रदीप यादव, ग्राम पोस्ट जनकपुर, विकासखंड गढ़वार। इस समय आप कहाँ पर हैं? इस समय गांव पर ही हैं, हम अपने घर के पास। अच्छा प्रधान जी, इस समय क्या है आपका पूरा मामला? हमारा मामला है 2010 में जी चकबंदी द्वारा चकरोड बना था नक्शे में। हाँ। उसकी पैमाइश प्रधान द्वारा कराई गई। हाँ। प्रधान के एप्लीकेशन पर कानगोर लेखपाल आए, पैमाइश किए। अच्छा। गांव के गणमान्य लोग थे। हाँ। उन सब लोगों के सामने पैमाइश हुई। हाँ। पैमाइश के बाद गांव सभा से मिट्टी का कार्य कराया गया। अच्छा। 2017 में। अच्छा। पैमाइश के बाद बीच में भी कुछ काम हुआ था। हाँ हाँ। पूर्ण रूप से काम 2017 में हुआ। अच्छा। और जो मिट्टी कुछ कट उठ गई तो शायद 2020-21 में हुआ फिर जी। अब उसी पर हम लोग अपना गांव पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से खड़ंजे का काम पास हुआ है। खड़ंजे का कार्य क्षेत्र पंचायत को लोग आके शुरू कराए थे जी। तो उस पर जो है दिलीप कुमार पांडे आके रुकवा दिए। दिलीप कुमार पांडे कौन है? दिलीप कुमार यहाँ पांडे हमारे ही गांव के हैं, चकदार हैं। यहाँ हमारे चक रोड के बगल में उनका चक है। अच्छा, तो चक में चक और चक रोड का क्या तात्पर्य है? कोई मतलब तो नहीं है? कोई मतलब नहीं। उनको रोकने का क्या अधिकार है? क्यों रोके हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा चक कम है। हाँ। हम अपना चक की पैमाइश कराएंगे। हाँ। जबकि कई बार अपना पैमाइश करा चुके हैं। अच्छा, तो अभी इस प्रकरण को लेकर के कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर शिकायती पत्र दिए हैं और क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई? पहले क्या नाम है, DM के आदेश से मिट्टी का कार्य भी कराया गया, रुके हुए थे तो जी। आदेश हुआ, मिट्टी का कार्य हुआ, उसके बाद फिर कार्य शुरू हुआ है तो ये जो है अपना रुकवा दिए। हमसे BDO साहब कागज वगज मांगे थे, कागज BDO के ले जाकर हमने दे दिया। अच्छा, वहाँ से ये हुआ कि उनको बुलाया जाएगा, चौकी इंचार्ज भी कहे कि वो अपना कागज लेके जा रहे हैं, हम लोग कागज ले जाके उनको दिए, ये गए नहीं वहाँ। आज फिर हम गए थे तो कल गए थे तो नहीं दे पाए, आज जो है DM साहब के एप्लीकेशन पड़ा। आज आप कहाँ पर पत्रक दिए हैं और किसे दिए हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? जिलाधिकारी के यहाँ दिया गया, वहाँ आश्वासन मिला कि खंड विकास अधिकारी के यहाँ जब प्रस्ताव वहाँ से काम शुरू हुआ है तो वहाँ भेजा जा रहा है और थानेदार को भी सूचित किया जा रहा है। कौन सा थाना पड़ता है प्रधान जी? गढ़वार थाना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी आप कहाँ तक संतुष्ट हैं और आगे कहाँ तक जाएंगे, क्या इरादा है आपकी? इरादा है कि वहाँ से आकर के हमारा ये क्या नाम है खड़ंजे का काम सुचारू रूप से होने दें, काम करावें, नहीं होगा तो हम आगे की भी कार्रवाई करेंगे। आगे कौन सी कार्रवाई करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? हम इसके लिए हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। एक अपना परिचय बताएं। हमारा नाम जगदीश यादव है, ग्राम जनकपुर रहने वाले हैं। यादव जी, क्या मामला है इस समय यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? यहाँ चकबंदी का बना हुआ चक्रोड है। हाँ। उस चक्रोड पर हम लोगों का आना जाना। अच्छा। और वह चक्रोड जो है आज 3 प्रधान प्रधानी कर चुका है। हाँ।
और इस चक्रों को नहीं बनवा रहे हैं। मिट्टी का काम थोड़ा किए पहला दीनदयाल प्रधान थे, हाँ, उसके बाद ये पंडित जी जो हैं चक वाले रुकवा देते हैं। कौन है पंडित जी, क्यों रुकवा रहे हैं, उनको क्या परेशानी है? दिलीप कुमार पांडे हैं। क्या परेशानी है, क्यों रुकवा रहे हैं? रुकवा रहे हैं कि हमारे चक में ये चक तो उनका चक होगा ना, ये तो आपका चक्रोड है, मामला आपका चक्रोड का चल रहा है तो उनके चौक का बाहर में चक्रोड है, चक्रोड से सटा हुआ उनका चौक, तो उससे क्या उनको इतराज है? तो उनका चक अगर कम है तो चक्रोड पे घुसेंगे क्या, ये कहाँ का नियम है? उसी मामले से ना रुकवा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ तक किए हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो चक्रोड कागज में है वो बन जाए। आखिरकार रास्ता जब बन जाएगा तो पूरे गांव के लिए सुटेबल होगा ना, सभी लोग आएंगे जाएंगे, हाँ। चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आसान तो सबको हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा आने जाने या तमाम तरह की सुविधाएं होगी। फिर क्यों रोक रहे हैं वकील साहब? और वही कह रहे हैं कि हमारा चौक कम है, हाँ। यही जवाब है। तो आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो अपना चौक नपवा करके निकलवा ले, या नहीं तो हमारा रास्ता बंद नहीं कर। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ तक की गई है? अरे शिकायत तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, BDO सबके यहाँ गया। अच्छा, तो क्या आश्वासन अभी तक मिला है? आश्वासन मिला है, जब काम शुरू होता है तो रुकवा देते हैं, नेता लोग इनके नेतागिरी में डाल करके। अगर आगे ऐसा नहीं होता है, अगर काम नहीं होता है तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या करेंगे? अब इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, DM साहब के ऊपर भी पहुँच सकते हैं। ठीक, आप एक अपना परिचय बताएं। हमारा नाम हरजीत यादव है, ग्राम पोस्ट जनौलपुर, जिला बलिया, थाना गढ़वाल का रहने वाला हूँ। यहाँ पर यादव जी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्या है समस्या, कौन सी मामले को लेकर के यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं? यहाँ चक्रोड की मामले पर ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। क्या समस्या है? समस्या है कि दिलीप पांडे का चक है, वो चक्रोड जब बनना शुरू होता है तो रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? और राजनीतिक मुद्दा से लेकर के, राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ। उनको क्या इतराज है, अगर सड़क बन जाए तो क्या समस्या है? उनकी चौक का मामला हाई कोर्ट है। तो चौक और चक्रोड में अंतर होता है, चौक का मामला हाई कोर्ट में है, चक्रोड का तो मामला हाई कोर्ट में नहीं है, फिर क्यों रोक रहे हैं, क्या परेशानी है उनको? वो अपना बोल रहे हैं कि भाई हमारा चौक कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो किसी के घर में घुस जाएंगे, चौक अगर कम है तो चक्रोड पर चढ़ जाएंगे क्या, ये कहाँ का नियम है? आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, आगे कहाँ तक जाएंगे और कहाँ कहाँ शिकायत आपने किया है? हम शिकायत तो DM, तहसीलदार, BDO क्योंकि हर जगह पहुंचे हुए हैं। क्या अभी तक आश्वासन मिला, क्या लगता है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप, आगे कहां तक जाएंगे और क्या करेंगे? हम हाई कोर्ट तक जाएंगे इस चक्रों को फेंकवाने के लिए। आप एक अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मुनिलाल यादव, ग्राम जनौलपुर, जिला बलिया, वाले। कौन सी समस्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या है पूरा मामला? सर यहाँ पर जो है चौक के लिए और मार्ग के लिए जो है लफड़ा हुआ है। क्या हुआ है? कहते हैं दिलीप पांडे उनका चौक है, रास्ते के पास अलग चौक है, तो फिर चक्रोड और रास्ते और चक का तो बहुत अंतर है, हाँ, तो क्यों भी बात कर रहे हैं? कहते हैं ना कि हमारा जो है कम है, रास्ता जो है हमारे में फेंका गया है। तो जब चौक कम है तो चक्रोड में वो क्या उसका मतलब बनता है? वही आते हैं और दरियाई जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं, या फिर राजनीतिक द्वेष या फिर राजनीतिक प्रभाव में आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या इस चक्रोड का नक्शा है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं अभी, कहाँ कहाँ शिकायत आपने किया अभी तक?
हम जो है बलिया भी किए हैं, गड़बार भी किए हैं थाने पर। अच्छा, तहसीलदार के पास भी गए हैं। क्या क्या आश्वासन मिला, कितना संतुष्ट हैं आश्वासन से? अभी तक तो जो है फेंका नहीं गया है, तो हम क्या करें, अभी संतुष्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? देखेंगे।